वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। जब 1 रुपीज का सेल का ऑफर आया था तभी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे यहाँ पे शेयर कर दिया था। कल 2 बजे माइग्लैम के यहाँ पे आईलाइनर पेंसिल आई थी और मैंने आपको डायरेक्ट लिंक भी दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे काफी लोगों ने भर भर के ऑर्डर किए थे, 1 रुपीज में ऑर्डर हुआ था। जो 31 मई को जो सेल आया था 1 रुपीज का, वो सिर्फ और सिर्फ मिंत्रा इनसाइडर के लिए ही था। 1 जून से स्टार्ट हुआ यानी कि आज से, तो आज आया था निविया के कुछ प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी देने की कोशिश की थी ये बॉडी लोशन की। कुछ लोगों को मिंत्रा इनसाइडर मिली है, कुछ को नहीं मिली है, मुझे भी नहीं मिली थी। और मैंने भी यहाँ पे अपने डिवाइस में जो अकाउंट ओपन किया था वो एक सब्सक्राइबर का था, तो उनके अकाउंट से मैंने ट्राई किया था। पर जब 2 बजे की सेल ओवर हो गई उसके बाद ही मुझे मिंत्रा इनसाइडर मिली थी। तो अगर अभी तक भी आप वीडियो देख रहे हो और अभी तक भी आपको नहीं मिली है तो अभी आप ट्राई कर लो, मे भी हो सकता है आपको 24 आवर्स तक आपको भी मिल जाए। तो ट्राई करते रहना, जब तक ना मिले तब तक फ्री मिंत्रा इनसाइडर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको वहां से जाना है, आप पहुंच जाओगे वेबसाइट पे, और अगर आपने वेबसाइट पे लॉगिन नहीं किया है तो वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना। उसके बाद आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे एक बैनर देखने को मिलेगा मिंत्रा इनसाइडर का फ्री के लिए, और फिर आपको ज्वाइन नाउ फ्री वहां पे क्लिक करना है। आपको वहां पे जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। वहां पे आएगा आपको कि आपको 24 घंटे वेट करने को कहा जा रहा है, तो 24 घंटे वेट कर लो। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको फ्री मिंत्रा इनसाइडर मिल जाएगी। जब तक ना मिले तब तक ये प्रोसेस आपको जारी रखनी है, क्योंकि मुझे भी नहीं मिली थी, इंस्टेंट तो नहीं मिली थी ना। जब तक ना मिले तब तक ट्राई करते रहना, वेबसाइट से पहले लॉगिन कर लो, फिर लिंक से जाओ, फिर उसके बाद वहां पे ज्वाइन नाउ फ्री वहां पे क्लिक करो, और हो सकता है आपको भी 24 घंटों के अंदर अंदर मिल जाए। मेंबरशिप के लिए आपको 24 घंटे का वेट करने को कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपको जाना है मिंत्रा ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ पे वेबसाइट में जो अकाउंट था उसी नंबर से आपको ऐप में भी लॉगिन होना है। आपको वहाँ पे देखना है कि आपको मिंत्रा इनसाइडर मिली है या नहीं मिली है। अगर आपके अकाउंट में वहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कियारा आडवाणी का इस तरह का बैनर, तो आपको समझ जाना कि आपको मिंत्रा इनसाइडर नहीं मिली है। और अगर आपको इस तरह का पेज देखने को मिलता है तो समझ जाना आपको मिंत्रा इनसाइडर मिल गई है। तो ये तो बात हो गई कि मिंत्रा इनसाइडर किस तरह से फ्री में मिलती है और आपको किस तरह फ्री में मिलेगी अगर अभी तक नहीं मिली है तो। ठीक है, अब बात कर ले तो ऑर्डर किस तरह करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मिंत्रा इनसाइडर वाले भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट जिनको मिंत्रा इनसाइडर नहीं मिली है वो किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शिपिंग लगता है 69 रुपीज, और मिंत्रा वाले जो कन्वीनियंस फी के नाम पे वहाँ पे 69 रुपीज लगाते हैं, तो वो मिंत्रा इनसाइडर है तो उनको 10 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। बट जो मिंत्रा इनसाइडर नहीं है उनमें कुछ कुछ अकाउंट में 69 रुपीज लगता है। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट 1 रुपीज की सेल में अगर आप 69 की फी लगा के आप ऑर्डर करोगे तो वो वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी एंड में वीडियो के कि आप किस तरह से विदाउट मेंबरशिप अगर आपके अकाउंट है तो आप किस तरह से वहां से ऑर्डर कर सकते हो, तो वीडियो एंड तक देखना। अभी मैं आपको अपने उस ऑर्डर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देती हूँ किस तरह से ऑर्डर हुआ है। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ मिंत्रा के अकाउंट में। अभी 4 मिनट की देर थी, मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग क्लॉक ओपन कर ली थी, आपको भी फ्लोटिंग क्लॉक ओपन कर लेना है। जिस स्क्रॉल डाउन करके दिखाने वाली हूँ कि वो बैनर किस तरह का शो होता है। 1 रुपीज स्टिल 2 PM और ऑफर कमिंग सून ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। मैंने बहुत कोशिश की इसको ओपन करने की, वो ओपन ही नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे ये मेरा टाइम ही लग गया उस बैनर पे क्लिक करते करते। यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन की बट वेबसाइट पे भी वहाँ पे 5 रुपीज ही सो हो रहा था, 1 रुपीज सो नहीं हो रहा था। काफी टाइम तक रिफ्रेश करने की कोशिश की बट प्राइस चेंज नहीं हुई। अब मैं यहाँ पे ऐप में आ चुकी हूँ दोबारा से, वो बैनर्स का कोई फायदा ही नहीं है। वहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक भी नहीं होगा, वो ओपन ही नहीं होगा। और तो यहाँ पे आपको इस तरह का शाहरुख खान का बैनर देखने को मिल रहा होगा। अभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बहुत ही ज्यादा स्लो कर दिया आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पे नीचे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ बट ये रहा बैनर। इसी बैनर पे आपको क्लिक करना है, जिस साइड शाहरुख खान का फोटो है आपको वहां पर ही क्लिक करना है। प्रोडक्ट से वहां पे क्लिक नहीं करना है, प्रोडक्ट से वहां पे क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट्स की रियल एमआरपी देखने को मिलेगी, बट आप जहाँ पे शाहरुख खान की तस्वीर है आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे 1 रुपीज के प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। अब मैंने वहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं आप लोगों को बॉडी लोशन का ही डायरेक्ट लिंक दिया था और मैंने पहले ही उसको एड टू कार्ट कर दिया था। अब उसी बॉडी मॉइस्चराइजर पे क्लिक किया और यहाँ पे भी 65 रुपीज से हो रहा है, और मैंने उसको प्रोडक्ट को कार्ट में जैसे एड किया वहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा पहले से एक प्रोडक्ट आपके कार्ट में एड है। और मैं जैसे यहाँ पे आ गई तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को एड टू कार्ट किया था, बट यहाँ पे क्वांटिटी 2 दिखाई दे रही, यानी कि जो पहले से एड था वो भी वही प्रोडक्ट 1 रुपीज वाला ही था। तो मैं पहले से भी एड करके रखते हो तो आपको वहाँ पे कार्ट में वो 1 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एड्रेस पसंद किया, और यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ऑनलाइन पेमेंट के वक्त, वहाँ पे दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे COD पसंद की और मैंने यहाँ पे COD में ये ऑर्डर कंफर्म कर दिया। COD में एक्स्ट्रा 5 रुपीज लगता है चार्ज, बट यहाँ पे ऑर्डर हो गया था आसानी से, तो बहुत ज्यादा इजी है। आपको वहाँ पे वेबसाइट का दिखाने वाले हो तो यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, मैंने प्रोडक्ट टू कार्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे उसकी जो भी क्वांटिटी है उसको मैं यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, मैंने यहाँ पे 2 किया, कम से कम आप यहाँ पे 2 ही कर पाओगे
ज्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मिंत्रा पे ऑफर आया था माइग्लैम का 1 रुपीज का 2 बजे, तब काफी लोगों ने उस वक्त ना हद से ज्यादा ऑर्डर कर दिए थे, मतलब 25-30 क्वांटिटी ऑर्डर की थी, कितनों ने 60-60 ऑर्डर भी की थी। इसीलिए अभी यहाँ पे निविया वाले पे उन्होंने सिर्फ 2 ही क्वांटिटी रखी थी, मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी ऐड की। और यहाँ पे आपको आइटम सिलेक्टेड पे वहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ₹12, यानी कि यहाँ पे वेबसाइट में भी यहाँ पे 12 रुपीज ही हो रहा है, जो मेरा मिंत्रा इनसाइडर का अकाउंट नहीं है। तो 2 रुपीज तो प्रोडक्ट के, बाकी 10 रुपए जो नॉर्मल फी लगती वही। तो मैंने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, 2:03 हुए थे, 3:30 हो चुके थे, बट यहाँ पे प्राइस चेंज हो चुकी थी, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, मैं यहाँ पे ऑर्डर नहीं कर पाई थी। तो ये बात तो रही वेबसाइट की, जिसमें मेरा मिंत्रा इनसाइडर का अकाउंट नहीं था, बट जो ऐप वाला ऑर्डर था वो मेरा ऑर्डर आसानी से हो गया था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ प्रोडक्ट टू कार्ट करना था, सिंपली आपको चेकआउट करना था। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट कर लेना, वरना सीओडी कर देना, सीओडी में एक्स्ट्रा 5 रुपीज लगेगा। यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर सेक्शन में लेकर दिखाने वाली हूँ कि यहाँ टोटल ऑर्डर हुए हैं। आप एक बारी में तो सिर्फ 2 ही क्वांटिटी तक ऑर्डर कर सकते हो, उससे ज्यादा की नहीं कर पाओगे, बट फिर उसके बाद अगर आपने एक बार ऑर्डर कर दिया 2 क्वांटिटी में, फिर दोबारा से आप जाके वापस दोबारा से कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे 3 ऑर्डर हुए हैं और तीनों बार 2-2 क्वांटिटी के हुए हैं, तो यानी कि टोटल 6 बॉडी लोशन यहाँ पे ऑर्डर हुआ है, यहाँ पे 6 बॉडी लोशन हो चुके हैं। बाकी जिनके पास मिंत्रा इंसाइडर थी, जिन्होंने पे करके मिंत्रा इंसाइडर ली थी अपनी, क्योंकि उनको फ्री नहीं मिली थी, ठीक है, उन्होंने 7000 तक की शॉपिंग की होगी। कुछ लोग हैं जिनके पास मिंत्रा इंसाइडर है पहले से ही, फ्री वाले की बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने पे करके ली है मिंत्रा इंसाइडर, तो उनको तो 10 रुपीज भी शिपिंग फी नहीं लगी है। और मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने वो ऑर्डर बिल्कुल 1 रुपीज में ही किया है, वो 1 रुपीज भी उन्होंने पे नहीं किया था, उन्होंने वो सुपर कॉइन से ही वहाँ पे ऑर्डर कर दिया था। आपको उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दूंगी ताकि आपको पता लगे, उन्होंने टोटल 3 ऑर्डर किए, तो यहाँ पे 3 रुपीज होना चाहिए, तो उन्होंने 3 रुपीज के बदले 3 सुपर कॉइन से उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर कर दिया 1 रुपीज का। तो ऐप में तो मिंत्रा इंसाइडर का अकाउंट था, बट वेबसाइट में नहीं था, और वेबसाइट में आपको वहाँ पे 12 रुपीज भी देखने को मिल रहा होगा, जो मैंने आपको ऑर्डर करने गई, बट फिर वो टाइम ज्यादा हो गया तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, प्राइस चेंज हो गया था, तो वहाँ पे भी 10 रुपीज लग ही रहा था। तो अब देखो, अगर आपके पास मिंत्रा इंसाइडर है तो उस अकाउंट से आप ट्राई कर सकते हो, उनके लिए ठीक है, बट जिनको अभी तक मिंत्रा इंसाइडर नहीं मिली है, तो पहले कहूंगी कि आप सभी अकाउंट से ट्राई कर लो, आपके घर में जितने नंबर है उन सभी से ट्राई कर लो, क्या पता किसी ना किसी में तो आपको मिल जाएगी, बट फिर भी नहीं मिलती है, तो एक काम कर सकते हो आप, पहली टिप यही देना चाहूंगी, आप कोई न्यू अकाउंट ट्राई करो, ठीक है, आपके पास अगर कोई न्यू अकाउंट है उसमें ट्राई करो, उसमें 69 रुपीज शिपिंग फी नहीं लगेगा। तो अगर आप न्यू अकाउंट बना लो, न्यू अकाउंट में आपके कुछ 1-2 ऑर्डर होते हैं उसमें शिपिंग फी नहीं लगता है, और अगर लगेगा भी तो सिर्फ 10 रुपीज ही लगेगा, जो नॉर्मल यहाँ पे जिन लोगों को भी मिंत्रा इनसाइडर मिला है उनकी तरह ही आपको 10 रुपीज ही पे करना पड़ेगा, और सीओडी करोगे तो एक्स्ट्रा 5 रुपीज लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब आपके पास न्यू अकाउंट भी नहीं है तो कोई एक ऐसा अकाउंट देखो जो आपका पुराना तो हो बट आपने उसमें ज्यादा ऑर्डर ना किए हो। तो अब बात करती हूँ मैं अपने वेबसाइट वाले अकाउंट की, तो वो मेरा न्यू अकाउंट नहीं है, ठीक है, अगर वो मेरा न्यू अकाउंट होता तो मैं ऐप में ही ट्राई कर लेती, क्योंकि मैं वहाँ पे वेबसाइट में ट्राई करती, बट इसलिए ट्राई किया कि वो मेरा मिंत्रा इनसाइडर का अकाउंट भी नहीं था और ना ही वो मेरा न्यू अकाउंट था, इसीलिए मैंने अपने सब्सक्राइबर का अकाउंट अपने मोबाइल में ओपन किया था, और वेबसाइट में इसलिए ट्राई कर रही थी कि जिनके पास मिंत्रा इनसाइडर नहीं है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं, तो दोनों में इसलिए ट्राई कर रही थी। तो देखो, पहली टिप यही कि न्यू अकाउंट ट्राई करो, न्यू अकाउंट नहीं है तो कोई ऐसा अकाउंट ढूंढो जिसमें आपने ऑर्डर कम किया हो, जो मेरा वेबसाइट वाला अकाउंट था उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 या 2 बार ही ऑर्डर किया होगा, 2 से ज्यादा बार ऑर्डर किया ही नहीं है मैंने, ऐसा अकाउंट ढूंढो जिसमें आपने कम ऑर्डर किया हो मिंत्रा से, अगर आपने मिंत्रा से ज्यादा ऑर्डर किया होगा तो उस अकाउंट में 69 रुपीज शिपिंग फी लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप एक ट्राई कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो वहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हो रहे थे, यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी, इस तरह से 3 प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, ये आप अपने रिस्क पे करना, मैं आपको कह रही हूँ, बट अगर आपको शिपिंग फी कम से कम देनी है और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करना है तो आप एक काम कर सकते हो, जितने भी प्रोडक्ट आपको 1 रुपीज में शो हो आप उसको सभी को ऐड टू कार्ट कर देना, उसके बाद देखो क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है, फिर उन सभी को आप एक ही साथ ऑर्डर कर दो, तो उससे क्या होगा 10 रुपीज तो लगेगा ही शिपिंग फी, और सीओडी करते हो तो 5 लगेगा, नहीं करते हो तो नहीं लगेगा, तो आपका ना वो एक ही ऑर्डर में शिपिंग फी लगेगा, ज्यादा एक से ज्यादा अगर आप ऑर्डर करने जाओगे, समझो कि आपने एक बार ऑर्डर कर दिया उसमें 10 रुपीज शिपिंग लगा, फिर दोबारा से आप करने गए तो फिर दोबारा से 10 रुपीज शिपिंग लगेगा, तो ऐसे अगर आप जितनी बार ऑर्डर करने जाओगे उतनी ही बार आपका 10 रुपीज शिपिंग फी प्लस आपका एक्स्ट्रा सीओडी लगेगा, तो 15 रुपए ऐसे लगे जाएगा, बट अगर आप एक ही साथ जितने भी प्रोडक्ट है उन सभी को ऑटो कार्ड कर दो फिर ट्राई करो, बट उसमें रिस्क ये होता है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है या फिर टाइम ओवर हो सकता है, तो मैं कहूंगी आपको जिस तरह से ट्राई करना है करना, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिया था, अगर मैंने भी अगर ज्यादा ट्राई करने की कोशिश करती और सभी प्रोडक्ट ऑटो कार्ड करके ट्राई करती शायद हो सकता था वो टाइम आउट हो जाए, क्योंकि मुझे फ्लिपकार्ट का 1 रुपीज का सेल याद है, जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कुर्ती का 1 रुपीज का सेल था, मैंने सभी कुर्ती को एक साथ ऑटो कार्ड करके ऑर्डर करने गई थी तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था,
इसीलिए मैंने यहाँ पे मिंत्रा पे वो ट्राई नहीं किया, बिकॉज ये पहली बात मेरा अकाउंट नहीं था, किसी और का था तो उसका भी ऑर्डर नहीं होता, फिर इसीलिए मैंने वो ट्राई नहीं किया, वो रिस्क ही नहीं लिया। तो आपको एक बार देख लेना कि वो होता है या नहीं होता है इस तरह से, और अभी भी आप मिंत्रा इंसाइडर के लिए ट्राई कर सकते हो, मे भी हो सकता है आपको आपके अकाउंट में मिल जाए वो। इस मिंत्रा इंसाइडर को अगर आपको कन्फर्म करके रखना है, यानी कि ये ओवर ना हो, फिर 3 महीने के लिए ही है, अगर आपको लगता है कि आपको इसको रखना ही है, तो यहाँ पे मिंत्रा में 2000 तक की शॉपिंग करोगे 28 अगस्त तक, और वो ओवर नहीं होगी। यहाँ पे आपको एक टायर देखने को मिल रहा होगा जो 0 से लेके यहाँ पे 2000 तक है, तो अभी यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। 2000 तक की शॉपिंग कर लोगे तो आपकी ये मिंत्रा इंसाइडर आपकी 1 साल तक रह जाएगी। तो अगर आपको इस तरह से आपको देखना है तो आप देख लो कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत ट्राई करना, बट अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ पे इस तरह से उसको ले सकते हो। तो ये बातें कुछ मैंने बता दी आपको किस तरह से ऑर्डर करना है और क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी अगर आपका कोई और भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ उतनी मैं आपकी रिप्लाई करने में हेल्प करूंगी। आई होप सो आज का वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल के साथ बने रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।